हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत 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 वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमने यूनिट फर्स्ट की जो टॉपिक्स थे आपके, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बॉटनी थी, हमने उसमें क्या फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया था, आपको पता है, हमने यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड के साथ। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है माइक्रोबियल वर्ड्स के बारे में, मतलब कि निर्जीवों का जो मतलब माइक्रोब्स का जो वर्ल्ड है, मतलब जो सूक्ष्मजीवों की जो दुनिया है, सूक्ष्मजीवों का जो जगत है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके कंसिस्टेंसी वैसे पढ़ते हैं। मतलब कि आप जिस दुनिया को अपनी चारों तरफ देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि आपके चारों तरफ एक और दुनिया है जिसे आप देख नहीं सकते अपनी नॉर्मल नेकेड आइज से। उस दुनिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसको कि आप अपने नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से भोजन करते हैं, कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट डिफरेंट आपके बेनिफिट्स, उनके हार्मफुल इफेक्ट, सब कुछ हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो आप सब इस पूरी यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारा इंटरेस्ट आपका बॉटनी में डेवलप हो जाएगा। तो हमारा जो ये माइक्रोबियल वर्ड है, ये सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमने खत्म कर रखा है, सेकेंड यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बॉटनी के सिलेबस में। तो इस यूनिट में आपका जो सिलेबस है, एक बार क्या करते हैं सिलेबस को देखते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है। आज यूनिट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक सिलेबस करके वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने डिस्कस की है। लेकिन फिर भी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड यूनिट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको देखो क्या दिया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, तो हम पहले सेल जानेंगे, सेल की डिस्कवरी जानेंगे, सेल की साइंटिस्ट कौन कौन से, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, सेल थ्योरी क्या होती है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने जूलॉजी में, आपकी जो पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी, वहाँ पे पढ़ रखी होगी या फिर आप पढ़ने वाले होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ये मतलब मैं आपको बॉटनी पढ़ा रही हूँ, और अगर यहाँ पे सेल वर्ड आया है तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं आपको पहले सेल की बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में है। उसके बाद आपको पढ़ना है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं। उसके बाद आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उनका कल्चर कैसे होता है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें उनके ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, वायरस के बारे में, उनका करैक्टर, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, सेल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन सारी चीज़ों के साथ आज हम इस वीडियो के बेसिक को बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में पढ़ना। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। आप सब ने सेल, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका, सेल के बारे में अगर कोई लाइफ साइंस का स्टूडेंट है, कोई बॉटनी का, जूलॉजी का स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसने सेल वर्ड नहीं सुना होगा या सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा। सेल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट हुई है। ये एक ऐसा छोटा पार्ट है हमारे शरीर का जो कि इंडिपेंडेंट अपने आप की लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, तो अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है, और वो अपनी सेल के अंदर रिप्रोडक्शन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, मतलब सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म किसी एक सिंगल सेल में भी पॉसिबल है। तो हमने सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लाइक आपने सेल वर्ड को कभी सुना ही नहीं है, हम उस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब सेल पढ़ते हैं तो एक चीज़ बहुत फेमस है, एक लाइन बहुत फेमस है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे नॉर्मली जेनेटिकल वर्ड यूज नहीं होता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल
और जेनेटिकल का मतलब क्या होता है, ये लाइंस हमने पढ़ी हैं या हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उन्हें 11 ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि सेल जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। पढ़ा है सबने कि सेल जो है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, मतलब कि सेल जो है वही लिविंग की जो है स्ट्रक्चर बनाता है। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उस सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, उस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ही उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? आपकी बॉडी भले ही मिलियन ऑफ द सेल से बनी हो लेकिन एक एक सेल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी अपनी नीड है आपकी बॉडी में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ही कहीं ना कहीं सेल की लाइफ के लिए या ह्यूमन की लाइफ के लिए, वर्ल्ड में लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है और जो लाइफ की सारी जो मेटाबॉलिज्म होती है, सारे जो फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी सेल के अंदर होते हैं। जैसे मैंने अमीबा का आपको एग्जांपल दिया कि अमीबा एक सेल है जिसके अंदर ही सारी लाइफ की मेटाबॉलिज्म्स होती हैं। तो कोई भी फंक्शन हो वो सेल के अंदर होगा और जेनेटिकल यूनिट है, मतलब सेल के अंदर एक जेनेटिकल यूनिट होता है जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है कि आपके सेल के अंदर जो है, आपके अंदर सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है और क्या होता है, आरएनए होता है। तो आइदर ये डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जेनेटिकल यूनिट्स होती हैं। तो ये जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, दूसरे से तीसरी जनरेशन में जाती हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए है वो आनुवंशिक इकाई है, जेनेटिकल यूनिट है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, उनका रूपांतरण होता है, उनका स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो सेल इसलिए कहा जाता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जेनेटिकल यूनिट है। बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले सेल किसने देखा, उसने देखा तो उसने एक्चुअल में क्या देखा था, फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल जो है, ये एक नॉर्मल सेल का फिगर है, आपको आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में, वाइबा में, अपने नोट्स में बहुत बार सेल का फिगर बनाया होगा। तो ये भी फिगर है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो एक ये चीज़ आती है सेल की डिस्कवरी पढ़ने के पहले, एक ये चीज़ देख लेते हैं कि एक हायरार्की होती है ऑर्गेनिज्म की। आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो आपने इवोल्यूशन में अगर देखा होगा, विकास वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा कि लाइफ की जो ओरिजिन थी वो सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, वाटर में हुई थी। और क्या हुआ था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने थे। पहले प्रोकैरियोट्स बने थे जिनकी लाइफ बहुत, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सब कुछ सिंपल होता था। उसके बाद यूकैरियोटिक बने, मतलब एक सेल बना। सेल जब जुड़ते हैं तो वहाँ पे टिश्यू बनता है, क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ द सेल विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे आपकी बॉडी में हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेशन में आप अगर ले लीजिए तो स्टमक एक ऑर्गन है। तो अगर हम हार्ट को लें तो आपकी हार्ट के साथ साथ जो भी वसल्स हैं, जो भी आर्टरीज हैं, जो ब्लड है, वो सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेशन में स्टमक के साथ साथ आप अपना इंटेस्टाइन ले सकते हैं, ओसोफेगस ले सकते हैं, फेरिंग्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें अलग अलग कोशिकाएँ, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऊतक जो हैं कि इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक हायरार्की है कि किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ा है जब लाइफ एग्जिस्ट में आई है। हमें एक कोशिकीय आज सेल भी देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलता है, हमको टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, हमको ऑर्गन सिस्टम पर डेवलप ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट मल्टी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी हमको देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन की बात है कि किस तरीके से हायरार्कीज बनी हुई हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, ये भी उसी का है कि अगर हम सेल से भी छोटे लेवल पे जाएं तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। वो ऑर्गेनल्स कहीं ना कहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक आपका डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ों से मिलके बने होते हैं। उसके नीचे जाएं तो वो मॉलिक्यूल्स हैं और वो मॉलिक्यूल जो हैं एटम से मिलके बने होते हैं। लेकिन हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं बेसिक जो यूनिट कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो चीज़ें हमने वहाँ पे देखी वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। वही चीज़ आगे देखते हैं हम। सेल की डिस्कवरी पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद स्लाइड्स पे देख लेंगे कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था और उसको नाम क्या दिया था? सेलुला। और टाइम क्या था? 1665 था जब उन्होंने सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। और एक्चुअल में उन्होंने सेल नहीं देखा था, लिविंग सेल उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने एक डेड सेल देखा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ऐसे सेल को उन्होंने देखा था। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने प्लांट की जो बार्क होती है, जैसे आपने अगर कभी प्लांट देखा है, कोई बहुवर्षीय प्लांट देखा है, तो उसके बाहर आप देखेंगे जैसे कि कुछ छाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप कटहल के प्लांट में देख सकते हैं, आप नीम के प्लांट में देख सकते हैं, आम के प्लांट में देख सकते हैं। तो इस कॉर्क को निकाल के उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है, कॉर्क को निकाल के जब स्टडी की थी। आज हमको पता है कि कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, उनके अंदर लाइफ की मेटाबॉलिजम्स नहीं होती हैं। तो उन्होंने उस सेल को देखा था और उन्होंने जब उस सेल को देखा था तो उनको वो सेल्स देखने में कैसी दिखी थी, एक मिनट मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। उनको इस तरीके से कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, इस तरीके से उनको कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले थे, जिनको इन्होंने सेलुला नाम दिया था। सेलुला का मतलब होता है हॉलो स्पेस। वाइट पे वाइट पेन से लिखेंगे तो कहाँ से लिखा जाएगा, इसको क्या कहते हैं, हॉलो स्पेस, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो आप हमेशा रॉबर्ट हुक के साथ जाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये आप देख लीजिए कि सेल की डिस्कवरी एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट ने की थी जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल के लिए जो टर्म दिया था उसका नाम था सेलुला, जिसका मीन्स है हॉलो स्पेस, मतलब खाली जगह। उन्होंने कब किया था, 1665 में। और उन्होंने क्या किया था कि कॉर्क का एक पीस लिया था जिसको उन्होंने खुद के बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। देखिए पहले क्या था कि माइक्रोस्कोप्स इतने डेवलप नहीं थे तो हम चीज़ों को जितनी हमारी आँख की क्षमता थी उतना ही देख पाते थे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। जब मैंने माइक्रोस्कोप बताया पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उन्होंने देखा था और इन्होंने अपने सेल के जो बारे में जो भी इनको चीज़ें पता चली थी वो एक बुक में पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने सबसे पहले देखा था, किसको देखा था, लिविंग सेल को। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, कब देखा था, 1675 में, 10 साल बाद। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या क्या बातें हुई कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, पर उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड थी। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या देखा था, लिविंग सेल देखा था 1675 में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे पास जो सेल होती है जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है जिनके अंदर जो है आपका जो है डीएनए स्टोर होता है। तो इस न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और इन्होंने क्या कहा था कि ये जो न्यूक्लियस है यही पूरी सेल का ब्रेन होता है और यहीं पे जो है चीज़ें जो है जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं स्टोर होती है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट के फिगर्स मैंने लगाए थे वो इन्हीं साइंटिस्ट के फिगर थे। ये देखिए ये रॉबर्ट हुक का फिगर है, शायद थोड़ा ब्लरी हो गया है लेकिन ये रॉबर्ट हुक का फिगर है। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है
ये हमारे साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने टाइम का सबसे स्ट्रांग माइक्रोस्कोप बनाया था, इसलिए आप जब इनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया देखा था, इन्होंने RBC को सबसे पहले देखा था, इन्होंने स्पर्म को सबसे पहले देखा था। तो इनका माइक्रोस्कोप अच्छा था, काफ़ी डेवलप था, उसकी मैग्निफिकेशन बहुत हाई थी, तो वो चीज़ों को देखते थे और उसके बारे में लोगों को बताते थे क्योंकि वो माइक्रोस्कोप इनके पास था। और ये एक साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के बारे में, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया था। तो चलिए अपने फिर से उसी पेज पे चलते हैं जहाँ पे हमने डिस्कवरी को डिस्कस किया था। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जब सेल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लोगों को पता चलने लगी तो एक कॉन्सेप्ट आता है सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी मतलब एक थ्योरी दी गई जो कि सेल के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करती थी। दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, एक स्लाइडन थे और दूसरे स्वान थे। स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि कौन जूलॉजिस्ट था, कौन सा बॉटनिस्ट था। तो मैं पर्सनली ऐसे याद करती हूँ कि देखिए स्वान मतलब क्या होता है, हंस, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं स्वान SWAN, तो स्वान का मतलब क्या होता है, हंस। और हंस क्या है, वो एक जूलॉजिकल स्पीसीज है, मतलब कि वो एक एनिमल्स की फील्ड्स में आती है, बर्ड्स है वो। तो मैं ऐसा याद करती हूँ कि जो स्वान थे, जो हंस जैसे थे, वो जूलॉजी के बारे में स्टडी करते थे। और जो स्लाइडन थे, जब आपको स्वान याद रह जाएगा तो आप स्लाइडन को ईजिली याद कर सकते हैं। तो क्या है, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जैकब स्लाइडन, उन्होंने एक आइडिया सबके सामने रखा कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो जो है सेल से मिलके बने होते हैं। देखिए जो काम स्लाइडन ने अपने प्लांट पे किया था वही काम स्वान ने अपने एनिमल्स पे किया था। इन्होंने एनिमल्स में देख के बताया था कि एनिमल्स की बॉडी में एक पूरी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी होती, और इन्होंने बताया था कि प्लांट में पूरी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी होती है। तो बाद में ये दोनों मिलके, पहले ये लोग अपना काम अलग अलग करते थे, ये अलग कंट्री के थे, ये अलग कंट्री के थे, दोनों लोगों ने अपना काम अलग अलग से किया। जब इन्होंने अपनी इस बात को पब्लिश किया तो फिर ये दोनों साथ में ही काम करने लगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट थे वो दिए। फिर क्या दिया है कि ऑल द सेल, जो सारी सेल होती हैं वो कवर्ड होती हैं विद अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए अभी तक सिर्फ पता था कि जो प्लांट हैं या जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं या जो एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी क्या होती है, सेल से मिलके बनी होती है, इनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। और अब क्या पता चला कि ये जो सेल होता है इसके बाहर एक बाउंड्री होती है। सेल ये मान लीजिए इसके अंदर का जो भी एरिया है वो सेल का है, और इसके बाहर जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उस टाइम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया गया था, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने बस ये बताया था कि सेल के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कि आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, जैसे जो प्लांट की कोशिकाएँ होती हैं, उनमें सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो इन्होंने इतनी बात बताई थी कि प्लांट की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती, एनिमल की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने बस ये बताया था कि सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एक थिन लेयर होता है। उसके बाद सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट एक कवरिंग होती है। इतनी बात इन्होंने बताई थी स्लाइडन और स्वान ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इतनी बातें जब सबसे पहली बार सेल थ्योरी पब्लिश की गई थी तो इतनी बातों को पब्लिश किया गया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने अपना एक अलग सा पोस्टुलेट जो है सेल थ्योरी में ऐड किया। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या होता है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो अभी प्रेजेंट कोशिका है,
ठीक है। मान लीजिए अभी जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट कोशिका है उसका फॉर्मेशन जो है पहले से प्रेजेंट किसी कोशिका से हुआ था, इसका फॉर्मेशन इसके पहले प्रेजेंट किसी कोशिका से हुआ था, इसका फॉर्मेशन इसके पहले प्रेजेंट से किसी कोशिका से हुआ था, मतलब कि आपका जो जन्म है वो आपके माता पिता के स्पर्म और एक के मिलकर मिलने की वजह से हुआ है, उनका अपने माता पिता के, उनका अपने माता पिता के। तो इस तरीके से रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो एक सेल होती है इसका डेवलपमेंट इसके पहले से प्रेजेंट किसी सेल से होती है, उसका उसके पहले से, उसका उसके पहले से। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था और इनके इस बात को प्रूफ किया था लुईस पाश्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। तो रुडोल्फ ये तीन पोस्टुलेट जो हैं, ये जो है मेन सेल थ्योरी के चीज़ें हैं। आपको सेल थ्योरी अगर कहीं लिखने को आता है तो आप क्या क्या लिखेंगे कि प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, बॉडी हो, वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और लास्ट में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला, मतलब कि आज की जो सेल है वो पहले से प्रेजेंट सेल से मिलकर बनी हुई है। अब आता है मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी जब आई, पहले की सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने दी थी, उसके बाद जब रुडोल्फ विर्चो ने अपनी बात कही उसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी आई वो क्या है, ऑल नोन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी जानने वाले जो लिविंग थिंग है, जैसे भी आप जानते हैं कि ये लिविंग है, उन सब की बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। ये पहला पोस्टुलेट था, मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग को आप जानते हैं उन सब की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, मतलब कि अगर कोई सेल थी इससे डिवीजन होता है, कोई दो सेल्स बनती हैं, इन सेल में जब डिवीजन होगा फिर कोई दो सेल बनेंगी, ये दो सेल बनेंगी। इसका मतलब कि अगर ये सेल के बारे में हम बात करें तो ये सेल इस सेल से बनी है किस प्रोसेस द्वारा, डिवीजन, सेल डिवीजन द्वारा। ये सेल किस सेल से बनी है, इस सेल द्वारा, किस प्रोसेस द्वारा, सेल डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा। तो इतनी बात समझ में कि अभी तक पोस्टुलेट्स में क्या क्या कहा जाए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट अकर। इसके साथ साथ एक और बात कही गई कि स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन होती है लाइफ की वो नहीं होती है। जब आप लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ए बायोजेनेसिस होती है, ए बायोजेनेसिस होती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते थे, उस टाइम के लोग ऐसा मानते थे कि लाइफ कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है, जहाँ पर पहले लाइफ प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पर भी लाइफ का ओरिजिनेशन पॉसिबल है। लेकिन बाद में ये पता चला कि जहाँ पे लाइफ पहले से प्रेजेंट होगी वहीं पे नई लाइफ का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है या प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है उनका फॉर्मेशन जो है पहले से प्रेजेंट सेल से होता है। उसके बाद कुछ लास्ट पोस्टुलेट्स यहाँ पे हैं कि सेल कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन विच पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे वो अपने से दूसरे सेल में पास करते हैं, मतलब मदर सेल जो होती हैं वो डॉटर सेल में पास करती हैं जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन पास होती है। मतलब कि अगर हम थोड़े बड़े लेवल पर जाके देखें तो आपके कुछ कैरेक्टर आपके मदर फादर से मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, क्योंकि आपका और उनका जेनेटिक, आपकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं आपके मदर और फादर से आया है। 23 डीएनए जो 33 जो क्रोमोसोम है वो आपकी मदर 23 आपके फादर के साइड से आपको मिला है। तो वो जो कैरेक्टर जो उस डीएनए में होंगे वो कहीं ना कहीं आपको अपने मदर फादर से मिला है, इसलिए आपके कैरेक्टर उनसे मिलते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, शायद वो आउट ऑफ बॉक्स हो, मतलब कि यहाँ पे बताना शायद अच्छी चीज़ ना हो, बट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए क्या है कि जो डीएनए होता है वहाँ से क्या बनता है, आरएनए, ठीक है। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। आरएनए से बनता है प्रोटीन। इतनी बात क्या है कि डीएनए से जब सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से जब दो सेल बनती हैं तो डीएनए से डीएनए बनता है। मतलब क्या है कि आपके सेल में अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है, मतलब जो जायगोट था उसमें अगर 46 क्रोमोसोम थे तो आपकी पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम ही हैं। इसका मतलब जब भी सेल डिवीजन हुआ है तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डबल हुआ है, फिर डिवाइड हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उसके बाद
डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये थोड़ी सी सेल के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको सेल की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब होता क्या है कि अगर आप किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लेती हूँ, इसके अंदर जो है कि हम लोग न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए है, अगर इस सेल को डिवाइड करना होगा तो ये अपना जो दो डीएनए था इसको पहले चार डीएनए में बनाएगी, फिर दो डीएनए इस सेल को दे देंगे, दो डीएनए इस सेल को दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि अगर कोई सेल है इसको डिवाइड करना है तो इसके अंदर दो अगर क्रोमोजोम था तो ये दो क्रोमोजोम को पहले चार क्रोमोजोम बनाएगी, फिर दो इसको दे देगी, दो इसको दे देगी। मतलब दो क्रोमोजोम से चार क्रोमोजोम बनाने की जो स्टेप्स होती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो इंक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ जो क्रोमोजोम इंक्रीज होता है, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद अगर मान लीजिए आपके शरीर में कोई प्रोटीन बनानी है, ठीक है, आपकी नॉर्मल सेल्स हैं उसके अंदर से कोई प्रोटीन बनानी, कोई हॉर्मोन्स बनाने, कोई एंजाइम्स बनानी है, कोई कुछ भी बनाना है, तो उसमें प्रोटीन्स लगते हैं, आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रोटीन्स लगता है। तो अगर मान लीजिए किसी प्रोटीन को बनाना हुआ तो इस डीएनए में उस प्रोटीन को बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके आपको मदर फादर से मिली होती है। तो ये जो डीएनए है ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इससे जो है आरएनए बनेगा, इस डीएनए से इसी न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनेगा। जब यहाँ से आरएनए बनेगा तो ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। ये जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस से जो आरएनए बना वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और यहाँ पे उसके लिए प्रोटीन बनेगा, जो इन्फॉर्मेशन अंदर से आएगा उसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। जेनेटिक कोड्स वगैरह कुछ रूल्स होते हैं, जेनेटिक कोड को फॉलो करके उस हिसाब से प्रोटीन बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी डीप हो जाएंगी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डीएनए है उसी से आरएनए बनता है। तो मतलब आपके फादर में भी वही डीएनए है, आपके अंदर भी वही डीएनए है। मान लीजिए कि कोई ऐसा क्रोमोसोम है जो आपके फादर में से आपके में आया है, तो उनके अंदर भी वही इन्फॉर्मेशन स्टोर है जो कि आपके अंदर स्टोर है। तो जो प्रोटीन उनके अंदर बनेगा वही प्रोटीन आपके अंदर बनेगा। तो प्रोटीन से जब कैरेक्टर होते हैं, प्रोटीन से जब आपकी आँख की कलर, आपके कान का साइज, आपके बालों का कलर डिसाइड होता है, तो जो आपके फादर के अंदर प्रोटीन बन रहा है वही कहीं ना कहीं आपके अंदर बन रहा है, जो आपके मदर के अंदर प्रोटीन बन रहा है वही कहीं ना कहीं आपके अंदर बन रहा है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कुछ कैरेक्टर आपको आपके मदर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर आपको आपके फादर से मिलते हैं। आप अगर कई भाई बहन हैं तो आप देखेंगे कि आपके किस ज़्यादा कैरेक्टर मदर से मिलते हैं या उसके कैरेक्टर ज़्यादा मदर से मिलते हैं, आपके ज़्यादा फादर से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो आपके मदर फादर से मिलते हैं, आपके डीएनए, इसलिए वो आपके मदर फादर से मैच करते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये अपनी मम्मी को पढ़ा है, ये अपने पापा को पढ़ा है, क्यों, क्योंकि उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेम डीएनए से मिलके बने होते हैं। और इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई थी जो कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर ली, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आगे काम देंगी। तो चलिए अपने बेसिक टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे कह दिया है ऑल सेल आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब कि आप किसी की भी सेल की स्टडी कर लीजिए तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको लिपिड्स मिलेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे। तो नॉर्मली आप किसी भी सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको जो मेन जो चीज़ें मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, मतलब जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हो सकता है किसी के अंदर 20% प्रोटीन हो और 50% लिपिड हो, किसी के अंदर 60% प्रोटीन ही हो 20% लिपिड हो, तरीके कंपोजिशन मतलब उनका जो अमाउंट है वो वैरी कर सकता है, लेकिन मेनली जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। और क्या दिया, ऑल एनर्जी फ्लो मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ अ लाइफ अकर्स विद इन द सेल। जो सारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट थे। एक बार आप देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं कि जो लाइफ थी वो सेल से मिलके बनी होती है, सेल जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और जो है कि
जो अभी प्रेजेंट सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट सेल से हुआ है। सेल जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं, और इनका डिवीजन के टाइम जो है इनका जो है कि डबलिंग होता है, ये अपने अमाउंट को डबल करती हैं और दोनों सेल में जो है इक्वल नंबर जो ट्रांसफ़र कर देती हैं। और जो केमिकल बेसिक केमिकल कंपोजिशन होता है सेल के अंदर वो सेम होता है। और लास्ट बात की मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री जो होती है सेल की, वो जो है कि सेल के अंदर होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब एक टॉपिक आता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, कि सेल थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। अगर सेल थ्योरी बनी है तो कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, सेल थ्योरी उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हम कल के टॉपिक में एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी देखेंगे। और देखिए इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द सेल मतलब पहले जो है धरती पे किस प्रकार की सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद किस प्रकार की सेल बनी, फिर उसके बाद क्यों ऐसी क्या कंडीशन आई कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल का फॉर्मेशन धरती पे हुआ, उसके बाद मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होती हैं, यूनि सेलुलर सेल्स क्या होती हैं। इतना देखने के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे, जो कि है हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो कल की वीडियो में, आज की वीडियो में हमने थोड़ी बेसिक डिस्कस की, कल थोड़ा सा बेसिक और डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अगर बेसिक पढ़ाती हूं, तो आप लोग के कहीं ना कहीं जो बेसिक आपने स्ट्रांग नहीं हुए थे, या फिर किसी वजह से आपके 11th में आपने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई थी, या फिर आप चीज़ें भूल चुके हैं, तो एक बार उसको रिवाइज करके फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। इससे आपकी स्टडी बूस्टअप होगी। तो हमारा जो इतना मेहनत है वो आप इस बात पे डिपेंड करता है, उसकी सफलता यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कितना कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने स्टडी को बूस्टअप करते हैं, कितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो वीडियोस देना हमारा काम है, उसको पढ़ना, नोट्स बनाना, अच्छे से प्रिपरेशन करके अपने अच्छे अच्छे मार्क्स को लाना, वो आपका काम है। एक टीचर का यही लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि वो जिन बच्चों को पढ़ाए, जो स्टूडेंट को वो पढ़ाएं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी क्या करेंगे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, शेयर करिए ना करिए, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी है, अपना इतना टाइम इस वीडियो में दिया है, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम जितना ज़्यादा ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि आप तक हम देते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्टडी को कीप स्टडी करते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।